तो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर नेशन। सो गाइस, आज सबके लिए लेके आए हैं एक राइड, और ये राइड तहलका वाली राइड होने वाली है। और राइड भी नहीं भाई, अपनी नाइट राइड होने वाली है, क्योंकि हम निकले भाई नाइट में। और बात करें भाई हमारे साथ कौन कौन है, तो अपने साथ है विक्रम भाई, जो कि अपनी बेताल के संग आएंगे। और हम हैं भाई अपनी निंजा 300 पे। और भाई मक्खन चल रही है, मक्खन जब से लिए मक्खन चल रही है, बहुत कम निकालता हूँ, लेकिन जब भी निकालता हूँ भाई दिल खुश हो जाता है। और मेरे को बोलते हैं सेटिस्फेक्शन वाली राइड होती है ये, और काफ़ी मज़ा जाता है भाई इसको चलाने के बाद। और अभी हम हैं भाई कैंट रोड पे, मतलब दिल्ली कैंट रोड पे, और ठंडी का आनंद ले रहे हैं भाई गर्मियों में। मतलब गर्मी आने वाली हो, ठंडी मेरे को लग रही है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ वेड़ है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत ठंडी रहती ही है। और काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई राइड पे। बात करें भाई हम नाइट राइड कर कहाँ के रहे हैं, तो हम भाई गुड़गांव साइड जा रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं धोलाकुआं। एज ऑलवेज धोलाकुआं हमने मीटअप रखा है। मीटअप क्या रखा है गाइस, मैंने मतलब विक्रम भाई को वहीं पे बुला दिया, क्योंकि उनके घर से वो पास पड़ता है। वैसे अभी चल रहे हैं धोलाकुआं, और वहाँ से मिलते हैं अपने विक्रम भाई को, और वहाँ से करते हैं राइड स्टार्ट। राइड में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम दो ही लोग होंगे भाई, मैं और विक्रम, और मज़ा आने वाला है, बस एंड तक देखना। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गाइस, मैंने इसको लेके भाई पाँच से दस के बीच में वीडियो डाल दी होंगी, बट भाई व्यूज़ नहीं आ रहे अपनी निंजा 300 पे। तो गाइस आप बताओ भाई, आपको क्या चाहिए? आपने तो सुपर बाइक भी ले लिया गाइस, तो आप ये चाहते हो कि मैं एंटक पे लटका रहूं? या आप बताओ कि यार आपको एंटोक की वीडियो चाहिए या निंजा 300 की चाहिए? भाई मैं तो टोटली कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि भाई इसको लेने के बाद भाई व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप मेरे को सॉल्यूशन दो भाई, क्या करना चाहिए मेरे को। जस्ट पहुँचे अपने धोलाकुआं पे, जहाँ पे विकेट भाई मिलने वाले थे, और विकेट भाई आ चुके हैं यहाँ पे। और अपनी निंजा 300 को देखो भाई, क्या चमक रही है, चमक कह रही है भाई। थोड़ी बहुत धूल लगी पड़ी है, मैं जल्दी जल्दी में साफ़ भी नहीं करी है, बट भाई लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। और जस्ट आगे खड़ी है बेताल, जो कि विक्रम भाई वहाँ शूट कर रहे हैं। और बेताल चेक करो भाई, कितनी मस्त लग रही है यहाँ पे। मतलब दोनों बाइक का, मतलब आज स्कूटी और बाइक का भाई राइड होने वाली है, नाइट राइड। और कई बंदे आ रहे थे बट नहीं आ पाए, जैसे कि मोहित भाई आ रहे थे बट उनके कुछ फैमिली इशू हो गया था, तो वो नहीं आ पाए, और काफ़ी लोग आ रहे थे। सो गाइस, यहाँ पे ज़्यादा लेट ना होते हुए भाई अपन चल रहे हैं आगे की तरफ, जो कि अपनी डेस्टिनेशन भाई G20 रहने वाली है यहाँ पे। और G20 भाई चलेंगे, तो सबसे पहले करते हैं गाड़ी ऑन, एक बारी दिखा भी देते हैं आपको कैसा। ये देखो भाई, ऐसा कुछ जो इसका डैशबोर्ड बोल सकते हैं। और पेट्रोल यहाँ पे फुल है, इंडिकेटर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं सब, क्योंकि नहीं है तो वर्क तक करेंगे भाई। और हमने एक और चीज़ ऐड करी है भाई अपने राइडिंग जैकेट्स में, जो कि हमने भाई थाई बैग लिया है, वो भी यहाँ पे है। मतलब प्रॉपर एक बार उतर के आपको दिखा दूँगा आगे से, काफ़ी मस्त इससे भी लुक इनहेंस हो गया है, और सेफ्टी भी है भाई। और पूछ लेते हैं कि पेट्रोल फिल तो नहीं कराना भाई, पेट्रोल ओके, पेट्रोल डला रहे, पेट्रोल तुम्हें, चलो चलो भाई अभी पेट्रोल नहीं डला रहे हैं, क्योंकि इनकी स्कूटी में भाई पेट्रोल है। तो अभी चलते हैं अपना G20 नज़ारे, रात के नज़ारे भाई, रात को अपना गुड़गांव कैसा दिखता है। गांव में भाई काफ़ी कंपनीज़ है जो नाइट में ही वर्क करवाती हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रिक्स हो गया, काफ़ी कंपनीज़ ऐसी हैं, मतलब वहाँ पे नाइट में भी इतनी हलचल रहती है, और ऐसा ही लगता कि भाई यहाँ पर नाइट हो रही है या सुनसान वगैरह पड़ा है, तो वहाँ ऐसा कुछ फील नहीं होता है। तो गाइस निंजा में भाई काफ़ी मॉडिफिकेशन करानी है मेरे को, जैसे कि भाई इसका फर्स्ट सर्विस है जो आ गई है, क्योंकि एक मंथ मेरे को हो गया है। तो ऐसा सीन रहता है इसका, अगर 1000 किलोमीटर हो जाए तो सर्विस होती है, वरना एक मंथ प्लस हो जाए तो सर्विस करानी पड़ती है। तो मेरे को आज ही फ़ोन आया था कि सर्विस सेंटर से कि अपनी सर्विस ड्यू है, तो आप निंजा की सर्विस करा लें। तो मैंने कहा हाँ भाई, एक दो दिन में टाइम मिलता है तो मैं इसकी निंजा 300 की भी सर्विस करा लूँगा। और फर्स्ट सर्विस के बाद भाई इस पर मोड आने वाले तगड़े तगड़े। तो फर्स्टली भाई अपना एग्जॉस्ट आएगा, जिसमें मोटा पैसे लगने वाला है, और फिर छोटा मोटा काम जैसे कि फ्लैशर हो गए और नाइट आई हो गई, जो कि अपना हाइलोजन है उसको चेंज करके हम वाइट वाली लगवाएंगे नाइट आई करके। तो काफ़ी मॉडिफिकेशन आने वाली है, तो अभी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो ओहो, ये कौन सी वैन है भाई, ओहो विक्रम भाई फुल खींच रहे मीटर, फुल पुलिस वाले की वैन चल रही है भाई सामने, मतलब अगल बगल चल रही है पुलिस वाले की गाड़ी, फुल खींच रहे मीटर भाई।
और हमने भी यहाँ सो भगा दिए, लेकिन संदेह चेतावनी दे रखी है भाई। मतलब सर्विस सेंटर वाले ने बोला भाई कम ही चलाएं, तो स्पीड में तो मैं लेके नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत तो खेच सकते हैं, थोड़ा सा जाम है यहाँ पे, चल बन रहा है फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पे, इसलिए भाई थोड़ा बहुत जाम लगा है। इस फ्लाईओवर की वजह से भाई काफ़ी जाम अपना बच जाएगा, जो कि द्वारका की साइड से निकलता है शायद ये, तो द्वारका साइड वाले जो द्वारका जाना चाहते हैं भाई गुड़गांव से डायरेक्ट जा सकते हैं, तो काफ़ी टाइम है जो यहाँ पे सेव होने वाला है और ट्रैफिक भी भाई कई हद तक सही होने वाला है। और चीज़ बता दे गाइस, आपने अभी तक मेरे को फॉलो ना करो इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर दो, जो भी अपडेट्स वगैरह रहती हैं या कहीं भी, तो सबसे पहले भाई अपने इंस्टाग्राम पे ही आती हैं, कहीं भी घूमने की जाने की या कुछ भी प्लान वगैरह करते हैं हम कोई भी ट्रिप, तो वहाँ पे सबसे पहले अपडेट आती है। तो अभी जाके फॉलो नहीं करा तो भाई फॉलो कर लेना। और ऐसे बता देते एक बार ही, रतन भान करके, RATANBHAN रतन भान, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरे को, और मैं भी फॉलो बैक दे दूंगा भाई। और बाकी गाइस बात करें तो अपने ग्रुप में भाई काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि हम अपने ग्रुप के साथ एक राइड प्लान कर रहे हैं जो कि काफ़ी लंबी राइड होने वाली है। मार्च में हम जा रहे हैं अयोध्या, तो अयोध्या जाएंगे भाई मार्च में। आपको चलना हो तो भाई आप DM कर सकते हैं मेरे को, और अपने ग्रुप के साथ राइड लॉन्ग राइड करने का मौका पा सकते हैं। और गाइस एक सबसे बड़ी जो राइड होती है भाई, एक जो राइडर की ड्रीम होता है ना, ड्रीम ट्रिप जिसे कहते हैं भाई, ड्रीम ट्रिप की वो ट्रिप तो भाई कंप्लीट करना है, वो है भाई लद्दाख ट्रिप। लद्दाख भी हम जा रहे हैं गाइस इसी ईयर 2024 में, और हम जा रहे हैं, वो आप बताओगे कि आप मेरे को निंजा ले जानी चाहिए या एंटॉक, तो मेरा तो मन भाई एंटॉक का कर रहा है, लेकिन गाइस उस टाइम उस सिचुएशन पे देखते हैं भाई ऑडियंस क्या मांगती है, अपनी बाइक मांगती है या मांगती है एंटॉक। तो गाइस काफ़ी मज़ा आने वाला है लद्दाख ट्रिप पे भी, और लद्दाख ट्रिप पे भाई मोटा मोटा बता दूँ तो अपने विक्रम भाई जाएंगे, मैं जाऊँगा, मेरा कंफर्म है, विक्रम भाई का भी कंफर्म है, राज भाई का भी कंफर्म है, हैशटैग भाई का भी कंफर्म है, और मोहित भाई का कंफर्म नहीं है। कोई नहीं गाइस, मोहित भाई से भी कंफर्म करवा लेंगे, क्योंकि मोहित भाई को भी ले चलेंगे, और काफ़ी जो भी नीतीश भाई, नितिन भाई, सब भाई चलेंगे फुल तहलका मचाते हुए। और जो मतलब एक होता है ना कि भाई जहाँ से स्टार्ट करा हमने, और यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखे भाई, लगा तो रखे क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, तो बैरिकेडिंग वगैरह तो लगा के रखेंगे ही। और हम बात करते करते आ गए हैं अपने एमजीएन मॉल पे, मतलब पीछे ही एमजीएन मॉल से G20 पे। यहाँ बता रहा हूँ कि भाई जो अपना ट्रिप रहेगा लद्दाख ट्रिप, वो हम करेंगे अपने ग्रुप के साथ भाई, ग्रुप के साथ करने में अलग ही मज़ा है। और यहाँ पर हम रुकते हैं, तो गाइज आ चुके हैं यहाँ पे निंजा 300। ये देखो गाइज व्यू चेक करो अपना, दोनों यहाँ पे एक हेलोजन चल रहा है और यहाँ पे बेताल खड़ी हुई है, और हम खड़े हैं G20 पे। और हम तक अभी यहीं तक सोचा था कि भाई यहीं तक राइड करेंगे, तो अभी बात करते हैं भाई विक्रम से कि क्या सीन है क्या नहीं, यहीं से घर टापना है या क्या करना है भाई। सो गाइस यहाँ पे अपना चल दिए हैं, यहाँ पे हमने इंजॉय करी अपनी पेप्सी वगैरह, और आपको दिखा नहीं पाया कोई नहीं गाइस, बट हमने इंजॉय कर लिया यहाँ पे। और अपने सुमित भाई भी यहाँ पे आ चुके थे, क्योंकि सुमित भाई भी आए थे जॉब से, तो सीधे यहीं आ गए। और यहाँ पे बेताल, और अपन चलते हैं भाई यहाँ पे घर की तरफ चलते हैं भाई। सो गाइस अभी भाई अपने विकेटी भाई हैं वो कहीं और की तरफ मुड़ गए हैं, और हम भाई यहाँ पे द्वारका साइड मुड़े हैं, यहाँ पे करवाएगा गंदा वाला, इसलिए रोक लिया है, मतलब गंदा वाला तो नहीं है, हाँ भाई है कर काफ़ी, तो यहाँ पे रोक लिया। और पहली बार आ रहा हूँ भाई इस रास्ते पे, और रास्ता भाई पूरा जिसे कहते हैं ना भाई पूरा, जब मैं शायद एक दो बार यहाँ पे आया हूँ तो ये रोड बन रहा था, और अभी भी बन ही रहा है। देखो यहाँ बैरिकेड लगा रखे हैं, और भाई काफ़ी स्मूथ रोड है, फुल भगा है, जो मज़ा है ना भाई भगा के, ज़्यादा भी भगा नहीं पा रहा क्योंकि अपनी सर्विस ड्यू है, बट गाइस जो मज़ा आ रहा है ना भाई भगाने में, देखो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अपना ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, मतलब फ्लाईओवर बन रहा है ऊपर से, और अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है, इसे एरो सिटी कहते हैं आई थिंक। और ऐसे वीडियो करते हैं यहीं पे, एंड आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।